गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। तो आ गए एक और न्यू ब्लॉग के साथ। तो गाइस, मुर्गी खोलनी है, ठीक है, उसको खोलते हैं। अंडे उसके नीचे 13 हैं, तो 15 अंडे थे, एक अंडा पहले टूट गया था, एक अंडा उसके बाद टूट गया था, अभी 13 अंडे बचे हैं इसके नीचे। किस किस के अंडे हैं ये मेरे को पता नहीं है, मैंने अभी तक देखे नहीं है। फिलहाल इसको खोलते हैं, ऊपर से मैं मुर्गी लेके आते हैं, फिर उनको खोलते हैं। मतलब इसको पहले बाद में खोलता हूँ, पहले ऊपर से जो अपने मुर्गी और बच्चे लेके आने उनको खोलते हैं, उसके बाद इसको खोलेंगे। वो ये बैठी है आराम से, पहले ऊपर चलते हैं, ऊपर वाले खोलते हैं, उसके बाद इसको खोल देंगे। नहीं यार, ये अंडे तोड़ती है, इस करके मैं इसको डेली खोलता हूँ अब। तो यार बहुत बड़ा नुकसान हो गया अपना, बहुत ज़्यादा बड़ा। अभी कल मैंने वीडियो बनाई थी, ठीक है, उसकी स्टार्टिंग नहीं बनाई थी, तो मैं अभी वो बना रहा था, तो कल वाले ब्लॉग का, ठीक है, स्टार्टिंग लेट हो गई थी पता नहीं कैसे। तो उसमें जो अपना चोपर है ना भाई, बिल्कुल सेट था, बिल्कुल सेट था, वो आप लोग देख लेना, ठीक है। पहले मैं इससे वीडियो को बाद में लगाऊंगा, अभी यार चोपर अपना यार दिखाता हूँ आपको क्या हुआ। ये देखो यार, यार क्या हो रहा है हमारे मेन मुर्गों को, पता नहीं, समझ नहीं आ रहा यार, समझ में नहीं आ रहा वो क्या रहा है यार। अभी कल वाली वीडियो आप लोग देखना पहले यार, कितना सही था मैंने बताया अभी कि सेट हो गया अपना चोपर बिल्कुल। अभी सुबह के देख रहे हैं यार ये सीन हो रहा है। तो ये देखो अपना चोपर, ठीक है, वाइट फेस हो रखा है इसका, और कमज़ोरी कितनी आ रखी है इसमें, क्योंकि एक तो यार कुरीज़ में था, कुरीज़ में वैसे ही जानवर कमज़ोर हो जाता है, ठीक है, ऊपर से अभी एक बीमार हो गया था, तो पहले दिन तो हमें इंजेक्शन मिला नहीं था, ठीक है। जिस दिन मैंने आपको बताया था कि आज लगाएंगे, उस दिन आ गया था, इसलिए फिर मैंने उस दिन लिया के लगा दिया था इसके, क्योंकि वो यार इंजेक्शन 3 दवाई मिला के बनता है ना, जैसे कि आपको मैंने बता रखा है, तो उसमें से एक नहीं थी, 2 दवाई थी उस बंदे पे जहाँ से हम लेते हैं, ठीक है, जिस डॉक्टर से हम लेते हैं। तो उसके ऐसे भाई एक दिन भी लेट करा ना, देखो कितनी हड्डी निकल गई इतने में, नहीं तो भाई बहुत तगड़ा हो रखा था चोपर अपना, आप लोगों ने देखा ही होगा पुरानी वीडियोस में, अभी देखो कैसे सुस्ती सुस्ती सा है, फिर भी सेट हो गया भाई, वो ही बहुत बड़ी बात है। बस इंजेक्शन का उसका ये फ़ायदा है कि भाई वो जान डाल देता है वापस इनमें, नहीं तो कैसा हो रखा था ये। अब तो फिर भी थोड़ा सा लाल होना शुरू हो गया, चिट्टा हो गया था भाई पूरा ही। ओम है, अभी मूड नहीं है, दाना भी नहीं खाता एक तो यार ये इतना। बाकी चीने को तो दाना लगा दिया, ये नाटी इसके पास ही खड़ी है दाना खाने के लिए, इसको वहाँ पे दिख ही नहीं रखी, वहाँ पे भी पड़ा है, लगी हुई है यहीं पर खड़ी है। चीनी है इसके साथ, अंदर कप पड़ा है यार, वो निकालना है, उसमें पानी लगाना है इनको ना, तो वो निकालता हूँ कप। तो इसको पानी लगा दिया, बड़ा चीना खोल देता हूँ अभी। आजा काका, आजा आजा आजा, मुर्गी भी क्रॉस करवानी है आज भी, वो वाली इसको तो करता ही रहता होगा क्रॉस, अंदर ही मटक मटक जाता है पूरा टोर में भाई, देख रहे हो, बुढ़ा होया पड़ा है, 6 साल का बुढ़ा अपना, अभी भी जवानी फूटती है इसकी। तो अपनी यार जो अपन ने जो दवाई बता रखी है ना आपको, वो कैप्सूल और वो इंजेक्शन, उसके ये फ़ायदा है, ठीक है, पहले दिन अपने पे इंजेक्शन नहीं था, तो अपन ने कैप्सूल से उसको ऐसा रख दिया था कि बस वो आगे ज़्यादा बीमार ना हो, फिर अगले दिन उसको इंजेक्शन लग गया, आज तो भाई पूरा मतलब लगा पड़ा है, वो कुछ ना कुछ ढूंढने पर लगा पड़ा है, ढूंढ के खाने में। तो ये चीज़ बढ़िया यार अपनी जो दवाई है ना, मैं ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करता कि जब मुर्गा बीमार हो उनको लिक्विड वगैरह दो, सीधा इंजेक्शन लगाओ, उससे जल्दी ठीक हो जाते हैं। इधर ये लगी पड़ी अकेली खाने, और वो उधर मस्ती में चला गया उसके पास। तो भाई खोल दूंगा, पहले दाना दूना तो खा ले अपना, चल जल्दी चल चल निकल, चल जाल इतने हैं एक साइड, जिसको दिखता नहीं है, चल 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 जल्दी चल, पै 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 गुटकता रहता है भाई कबूतरों की तरह, गुड़ 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 गुड़। देख लो यार, यही होता है जब बाहर से मुर्गियां ले आओ ना। हाँ सैडो, चोड़ियाँ हो रही हैं दोनों, कैसे एक को करता हूँ, हाल है जो बदतमीजी कर दिया तू हैं। चलो 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 चलो, खाना पीना हो गया इसका भी, ठीक है, क्रॉस नहीं करवाई आज, आज क्रॉस नहीं करवाई, तो ये रहा, क्योंकि इसे भी मैंने पहले ही बंद कर दिया था, ये खा ले थोड़ा सा, और अपना वाइट लेग वाला भी लेके आ गया, ऊपर ये खुला हुआ है, इन्होंने थोड़ा सा नीचे से भी खा लिया था यार, जिसमें मैं दाना उनको लेके मुर्गी को लेके गया था ना अंडों पे बिठा रखे, तो उसके हिस्से का भी खा लिया था। अब पता नहीं यार इसके 4 अंडे थे, अभी कितने अंडे पड़े नीचे, इसके बच्चे निकलेंगे कि नहीं कुछ नहीं पता, उधर जब बच्चे निकलेंगे तब अंडे फूटे होंगे जो उनसे, तब पता लगेगा, मैंने चेक तो करे नहीं कि कौन सा, 13 अंडे हैं वैसे इतना पता है।
तो गाइस ये है अपना लास्ट जोड़ा, मैंने इसको भी खोल दिया। दाना तो आपको पता है मैं अंदर लगा ही देता हूँ, इनको फिर भी बाहर खोल देता हूँ। क्रॉस नहीं कर रही है अभी, इसको जल्दी जल्दी कर दे क्योंकि यार अंडे ये देगी, खाली होएगी, फिर इसको किसी और के साथ देखते हैं लगा देंगे। वाइट लेग वाले के साथ ही लगा दूंगा, जल्दी जल्दी से अंडे दे देना एक बार ये खाली हो जाए पूरा। बाकी यार इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है, ये देखो कितनी सी लगती है, और वो देखो ये पिद्दू सी अपनी, ये इतनी ऊंची, इसकी हाइट बहुत है यार, 15 साइज है प्रॉपर, ऊंची होगी 15 से नीचे नहीं होगी, ऊंची होगी इतना मेरे को पता है। बाकी सबका हो गया यार, चूजे वगैरह बंद करने हैं अब, ये भी इधर घूम रहा है, इसको भी बंद करना है। दाना खा ही था नहीं रहे, देखो कैसे मटको मटको कर रहे हैं। अले आ जा खा ला, खुद भी नहीं खा रहा और ना खाने दे रहा कालियों को, अपनी काली पट्टियों को। अब खाएगा, खा ले भाई खा ले, इन कालियों को तो जितना खाया उन्होंने ठीक है, बाकी इनको अंदर लगा दूंगा। पोटा तो खाली नहीं है, पोटे में दाना तो इनका बढ़िया है, देखो मकोई है भाई अपनी, दोनों की दोनों खा दिया ना ये। एक ये वाली गंजी, अब इनमें से ये नहीं पता है, पट्ठों का तो अपने को पता है ठीक है, पट्ठियों का नहीं पता कि ये इनमें से कोई नाटी की पट्टी है कि नहीं, या दोनों नाटी की हैं या दोनों बेंगम की, ये इतना कन्फर्म नहीं है क्योंकि दोनों अलग अलग दिखती है। इसकी रौनक ही अलग है भाई पूरी, ये तो मादी, ये पट्टी तो ऐसी है जैसे अपनी वो मादी लेकर आए थे ना अपन, एक इतनी मतलब अच्छे घर से जो लाए थे ऐसी सेम दिखती थी, जो मर गई थी अपने पास, इसलिए मैं इसको रखने वाला हूँ क्योंकि ये उसकी जैसी सेम लगती है मेरे को। यार इसका भी बोल रहे थे कि इसको भी अपन दे देते हैं, तो मैंने मना कर दिया। बाकी आपको क्या लगता है, देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इसकी हाइट बहुत अच्छी है यार, अगर एक बार इसके अच्छे मतलब जोड़े के साथ मैंने लगा देना, जैसे चोबर के साथ हो गया या अपने उधर काले नोके वाले के साथ किसी के साथ, क्योंकि अपना यार जो वाइट लेग वाला उसका तो साइज़ पहले ही कम है ना, तो इसलिए इसके साथ भी बच्चे उसके इतने अच्छे नहीं बनेंगे। बाकी अगर आपको भी लगता है दे देनी चाहिए तो बताना मेरे को, अपन फिर दे देंगे इसको भी। प्राइस इसका हाई रहेगा भाई अगर मेरे को देनी होगी तो, ठीक है अगर कोई पूछेगा तो भाई सोच समझ के पूछना पहले ही, क्योंकि जितना लगा है भाई उससे ज़्यादा ही लूँगा मैं, क्योंकि मैंने बहुत टाइम से इसको भाई संभाला भी है। अपन सीधा ही पहले ही बोल देते हैं कि जितना लगा उससे ऊपर ही लेंगे, ऐसा नहीं है कि भाई जितने में आई उतने में दे देंगे, ठीक है किसी का मन हुआ तो बता देना। तो गाइस ये थी अपनी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। भाई यार बहुत बड़ा नुकसान हो गया अपना, क्या बोलें यार क्या हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा अपना, बड़े बड़े मुर्गे मर रहे हैं यार, पहले मार्शल फिर अब ये।